गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो कैसे हो सभी, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका एक नए दिन की शुरुआत के साथ। तो फिलहाल आज हम जाएंगे काजा, फिलहाल प्लान है आज काजा जाने का। तो हम काजा जाएंगे, वहाँ पे देखते हैं कि क्या बन पाता है, कैसा होगा माहौल, कैसा नहीं है। फिलहाल हम यहाँ से थोड़ी देर तक निकल जाएंगे क्योंकि थोड़ी देर तक धूप निकल जाएगी। तो फिलहाल हम तब तक रेडी हो लेते हैं फिलहाल, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से जितनी जल्दी हो सकेंगे। अभी सोलांग के पास हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे टूरिस्ट वगैरह घूम रहे हैं। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है क्योंकि ठंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो फ़िलहाल हम अभी यहाँ से चलते हैं आगे, क्योंकि आगे भी हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो चलते हैं। आप यहाँ पे एक व्यू देख सकते हैं, कितना बढ़िया लग रहा है। बीच में रोड है और ऊपर और नीचे काफ़ी सारी बर्फ़ जो है वो पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ का जो सीन है वो काफ़ी मस्त लग रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे काफ़ी सारी बर्फ़ है, आगे भी बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है। तो ठंड जो है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है बाइक चलाने में। यहाँ पे फ़िलहाल मैं रुका था इस सीन को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा था तभी रुका। इसलिए मैं अटल टनल को देख सकते हैं आप, अंदर से कुछ इस तरीके से बनी हुई है और इसके अंदर जो है वो आने जाने के लिए दोनों साधन बने हुए हैं दोनों तरफ से। तो फ़िलहाल ये इसका जो सफ़र है लगभग 9 किलोमीटर, 9 से 10 किलोमीटर के करीब है। यहाँ पर साइडों में काफ़ी जगह पर लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पर जो ठंड है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो अभी फिलहाल हम बाहर पहुंचने ही वाले हैं। आप यहां पे देख सकते हैं फिलहाल अटल टनल हम क्रॉस करके आ चुके हैं और यहां पे चारों तरफ आपको स्नो ही स्नो दिखाई देगी। फिलहाल हमारा प्लान है काजा जाने का, अगर हो सके तो हम जाके आएंगे, अगर नहीं जाना हो पाया तो फिलहाल हम नहीं जाएंगे। फ़िलहाल हम यहीं पे आपको दिखाएंगे। काफ़ी सारे यहाँ पर पर्यटक आए हुए हैं, यहाँ से थोड़ी दूर पर आपको दिखाई देगा। फिलहाल हम पास में चलते हैं और वहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम रोहतांग पास करके जो अटल टनल है उसको क्रॉस करके आगे निकल चुके हैं। जहाँ पे अटल टनल ख़त्म होती है उसके बाहर हम खड़े हैं। अटल टनल हम आपको दिखा दें तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, उस साइड में अटल टनल दिख रही है आपको वहाँ पर। और यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी करने को मिलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है यहाँ पे करने को मिलेंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ़िलहाल हम आपको और भी काफ़ी ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्फ़ जो है बहुत ही ज़्यादा है चारों तरफ। इस तरफ जो टेम्परेचर है वो बहुत ही डाउन में रहता है। तो फ़िलहाल हम आपको आगे भी दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटी ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पे अभी टूरिस्ट जो आए हुए हैं, फ़िलहाल यहाँ तक शाम तक रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर है वो काफ़ी डाउन में चला जाता है। तो ये फ़िलहाल जो सभी हैं ये मनाली से आए हुए हैं, क्योंकि फ़िलहाल मनाली में ही रुकने का स्थान है। तो आगे देखते हैं फ़िलहाल हमारा काजा साइड होना जाना हो पाता या नहीं, मुश्किल है इस हिसाब से मुझे देख रहा, देखते हैं। बाकी फिलहाल थोड़ी देर यहाँ पे घूम लेते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पास में नदी जो है वह बह रही है और ये पानी जो है वो पूरा ग्लेशियर का है, बर्फ का पानी है। तो ठंड जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो घूमने के लिए आए हैं। ज़्यादातर इस टाइम जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र इस साइड के बहुत लोग हैं जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो फिलहाल हम आपको और एरिया दिखाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे ठंड जो है काफ़ी ज़्यादा है। मेरा प्लान था आगे काजा तक जाने का, पहले मैंने सोचा था कि अटल टनल तक हम आ चुके हैं, मैंने सोचा एक बार अटल टनल क्रॉस करके हम देखते हैं कि वहाँ का व्यू कैसा रहेगा। तो हम जहाँ पे आए लेकिन यहाँ पे देखा तो मौसम बहुत ही चेंज हो चुका था, हालात जो है वो काफ़ी चेंज है यहाँ पर। तो फ़िलहाल मेरी प्लानिंग थी कि काजा तक जाने की, लेकिन यहाँ पर हालात देख के लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा काजा जाना, पर तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ तक आ पाना जो काफ़ी मुश्किल था। यहाँ पर बाइक जो है वो स्लिप वगैरह बहुत ज़्यादा करती है, तो आगे तो गाड़ियों में जाना सही रहेगा या फिर आपके पास कोई एडवेंचर बाइक हो काफ़ी बढ़िया। तो फ़िलहाल हम आगे तो नहीं जा पाएंगे, यहीं तक हमारा प्लान है घूमने का, फ़िलहाल हम यहीं पर रहेंगे क्योंकि यहाँ पर हालात जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा है, उंगलियाँ जो बिल्कुल सुन्न पड़ चुकी हैं, मोबाइल में वीडियो बनाना जो काफ़ी मुश्किल है। तो आप यहाँ तक देख सकते हैं, फ़िलहाल अभी तक यहाँ पे आ पाए हैं, दिसंबर लास्ट के बाद यहाँ तक आ पाना जो है काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो ऐसे में यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आए रहते हैं, इस टाइम काफ़ी टूरिस्ट आ चुके हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले बर्फ गिरी थी, तो उसकी वजह से घूमने के लिए अभी बिल्कुल सही है। लेकिन दिसंबर लास्ट तक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंद हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो घूम के चले जाएंगे, बहुत ही कम जो है वो आ पाते हैं, जैसे पंजाब हिमाचल या लोकल है जो आ सकते हैं, दूर के जो है वो फिर नहीं आ पाते, यहाँ पर चल पाना जो है काफ़ी मुश्किल हो रहा क्योंकि जो बूट है वो भी स्लिप करें क्योंकि बर्फ़ जो है वो प्लेन हो चुकी है, जम चुकी है, इसलिए स्लिप करने का चांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटी हो की जाती है यहाँ पे। तो ऐसी एक्टिविटी बहुत सारी हैं, फ़िलहाल हम तो नहीं कर रहे हैं, हमारे बजट से बाहर हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई ऐसे नज़ारे, ऐसी ज़िंदगी। आप सभी भी मेरे साथ बस एंजॉय करते रहिए क्योंकि हमारा काम है सिर्फ एंजॉय करना, बाकी तो हमारे पास कुछ है नहीं है जो कर सकते हैं। अगर आप भी इस बग्घी की राइड करना चाहते हैं तो फ़िलहाल यहाँ पे जो चार्ज हैं इनके जो बहुत ज़्यादा चार्ज हैं, फ़िलहाल हमने जो पीछे पता किए थे उसके कम थे, यहाँ पे इससे दुगने चार्ज हैं।
फिलहाल वाइट चादर को हम टाटा बाय बाय करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका हमें यहाँ घूमते हुए, तो काफ़ी ठंड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी निकल जाएं, क्योंकि अभी टेम्परेचर जो है वो डाउन में जाता रहे है, डाउन में जा रहा है, तो ठंड वैसे भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिलहाल जितना हो सके उतनी जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि एक तो बाइक पता नहीं अब स्टार्ट ना हो पाए, ऐसा मैं नहीं चाहता। तो फिलहाल धीरे धीरे चलते हैं हम, जितना जल्दी हो सके टाइम से पहुँचेंगे। तो यहाँ से अभी हम बाइक देख लेते हैं कहाँ पे है। बाइक तो फिलहाल शायद मैंने आगे खड़ी की हुई थी, अभी वहाँ पहुँच गए तभी पता चलेगा। फिलहाल ये रोड देख सकते हैं, रोड जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया गया, और आप यहाँ पे पास में देख सकते हैं ये ब्लैक आइस है। इस पे जो है बाइक और गाड़ी का स्लिप होने का ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि इस पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिप करती है बाइक वगैरह, तो जिससे कि रिस्क वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहता है गिरने का, तो यहाँ पे स्लिप ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट चादर जो कितनी मोटी है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नो है, लेकिन ये जो टूरिस्ट एरिया है, जो यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह करवाते हैं, टूर वगैरह करवाते हैं, अपनी अपनी जगह कवर कर रखी है, तो उसकी वजह से बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, तो उतनी बर्फ़ बची है जिसपे वो अपना एक्टिविटी वगैरह कर सकें। तो फिलहाल यहाँ पे ये देख सकते हैं ये फूड वैन है, तो यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट वगैरह आते रहते हैं, तो उनके खाने पीने के लिए। तो फिलहाल बाइक यहाँ पे खड़ी है, अब देख लेते हैं हमें इसे स्टार्ट करते हैं, अगर स्टार्ट हो जाए तो बढ़िया है, वैसे ऐसे मैं चाहता नहीं कि स्टार्ट ना हो पाए। तो फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं, ठंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, उसकी वजह से सांस भी फूल रही है। और आप यहाँ पे मैं आपको बैक साइड दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्नो है, वहाँ पे भी देख सकते हैं और कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी है, बिल्कुल स्नो से पूरा फुल है। दिसंबर में ये जो भी थोड़ी बहुत चट्टानें दिख रही हैं ये बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाएगी। तो फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं, लेकिन ये है कि हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि मोबाइल वगैरह है तो उसके लिए ग्लव्स वगैरह खोलने पड़ते हैं। तो फिलहाल हम अटल टनल को क्रॉस करते हैं। जब मैं अटल टनल क्रॉस कर रहा था पिछली साइड तो ठंड नहीं थी, तो आपको पिछली वीडियो में पता चल गया होगा, जब मैं ये इस टनल को क्रॉस करके आया तो जब लगभग 2-3 किलोमीटर टनल क्रॉस करने के लिए बाकी थी, तो वहाँ पे ठंड लगनी शुरू हो गई, तब मैंने ग्लव्स वगैरह पहन लिया। अब देखते हैं निकलते हैं जितना जल्दी हो सके। फिलहाल जो हमारा काजा जाने का प्लान था, फिलहाल हम उसे अभी पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है काजा जा पाना जो काफ़ी मुश्किल है। फिलहाल बाइक पे यहाँ तक आना ही काफ़ी मुश्किल हो चुका था, यहाँ से बाइक निकालना काफ़ी रिस्की भरा है, क्योंकि बर्फ़ जो है वो प्रॉपर जम चुकी है, तो वो ब्लैक ब्लैक कलर की हो चुकी है, तो उस पर जो है वो स्लिप कर जाती है। आप नीचे की साइड देख सकते हैं, यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है, तो फिलहाल आधे जो है यहाँ पे शेड जो बने हुए हैं वो काफ़ी दब चुके हैं, तो इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है। अभी कुछ दिन बाद यहाँ पे काफ़ी सारी स्नोफॉल हो जाएगी, और उसके बाद ये रास्ता है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।